माननीय मंत्री जी, ऐसे तो ये बिल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। एक तरफ से ये गेम चेंजर भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी जब 2021 में जब मैंने बिल लाया था उस टाइम भी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उस टाइम भी यही स्थिति हुआ था। हम उस टाइम भी दिन में भी बिल पारित करना पड़ा था, तो उस टाइम भी कुछ लोग, उस तरफ के जो कुछ लोग हैं, उन लोगों ने उस बिल का भी विरोध किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 2021 के अमेंडमेंट के बाद 276 ब्लॉक्स ऑक्शन हो गया है 2015 के बाद और 2021 के बाद। इसमें 221 से 2023 तक लगभग दो बरस में 168 ब्लॉक्स ऑक्शन हुआ है। इसका अर्थ यही है जो मोदी जी के मार्गदर्शन में हम जो बदलाव ला रहे हैं हर एक क्षेत्र में, वो फॉरेन अफेयर से लेके बायोटेक्नोलॉजी तक और खनिज क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र तक जो कुछ भी हम बदलाव ला रहा है वो देश के हित में है और देश में बदलाव दिख रहा है, देश का डेवलपमेंट दिख रहा है। देयर इज अ विजिबल चेंज। इसी कारण देश का जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था 2014 में 5 फ्रैजाइल के लिस्ट में थे, भारत 5 फ्रैजाइल इकोनॉमी के लिस्ट में थे। 5 फ्रैजाइल से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है सर। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टुडे सर। तो यही कारण है कि स्वच्छ मन से, विथ ए क्लियर विजन एंड क्लियर माइंड, हमने जो कुछ भी बदलाव लाना चाह रहे हैं उसमें तो हमारा कोई किसी को, फलानों को, चाचा मामा को, भाई भतीजा को कोई लाभ करने का हमने कभी भी नहीं सोचा। हम देश के हित में सोचा। इनके कालखंड में जो कोयला का अलॉटमेंट होता था, इनके एक एमपी को भी सजा घोषित हुआ है और जेल में डालने का कगार में है। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत जो प्रगति कर रहा है, तो हम कोयला में भी इतना बड़ा बदलाव लाया है। हमारे जो कोयला के क्षेत्र में, इनके कालखंड में केवल और केवल 566 मिलियन टन उत्पादन होता था, आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं इस बरस हमारा 1000 मिलियन टन, दैट इज 1 बिलियन टन से ज्यादा कोयला हम उत्पादन करके इस देश का जो एनर्जी क्षेत्र है वो एनर्जी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने हम जा रहे हैं सर। तो इसी ये सब देखते हुए आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है, आपने सूचना दी है कि हमको जल्दी खत्म करना है, मुझे ऐसे बहुत कुछ चीज बोलना था सर। तो क्योंकि जो कुछ भी बदलाव इस देश में हुआ है उनको, उसको हम अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बात कर रहे हैं, हम लिथियम के बात कर रहे हैं, हम पहले भी कोयला सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के बारे में बात करते थे, आज हम कोयला इंपोर्ट उत्पादन इतना कर रहे हैं कि आने वाले एकाध वर्ष में 25-26 तक कोयला, थर्मल कोयला हम इंपोर्ट करना बंद करने का एक निर्णय करके हम आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब मन में रखते हुए हमने जो बदलाव लाया है, ये जो बदलाव लाया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें हम 3 बदलाव लाया है। एक तो पहले हम सीएल और एमएल कंपोजिट लाइसेंस देते थे,
और माइनिंग लाइसेंस देते थे। आज हमने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का एक प्रावधान इसमें रखा है। हम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का प्रावधान इसलिए रखा है कि सारे दुनिया में जूनियर माइनर्स एक्सप्लोरेशन करते हैं और माइनिंग कंपनी इसका माइनिंग करते हैं, तो हमारे देश में यह प्रावधान नहीं था। हमने इसमें प्रावधान ये रखा है कि हम ML, CL और CL के साथ अभी EL एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का प्रावधान रख रहे हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के रूट से होगा। उसको उसमें भी रेवेन्यू शेयरिंग का प्रावधान है, वो भी पूरा से पूरा ऑक्शन के रूट से होगा। सर, इनके तरह जैसे इन लोगों ने अलॉटमेंट करके डिस्क्रिशनरी रूट लेके अलॉटमेंट करके इन लोगों के MPओं को और कई अधिकारियों के इनके कारनामे का कारण जेल में भेजना पड़ रहा है, ऐसे हम नहीं कर रहे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे में कर रहे हैं। और हम पोटैश का भी एक्सप्लोरेशन अभी कर रहे हैं और पोटैश का माइनिंग भी होगा सर। और इसी के साथ मैं बाकी डिटेल्स मैं आपके अनुमति से सदन पर पटेल कर रखता हूं, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। जो हमारे लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल से 12 मिनरल था, उसमें 6 मिनरल्स लिथियम सहित 6 मिनरल्स हम वो लिस्ट से हटा रहे हैं। इसका नॉन एटॉमिक एप्लीकेशन ज्यादा है, इसलिए वो हम 6 हटा के और हम 18 मिनरल जो क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल है, वो डीप सीटेड मिनरल को हमने इसमें एक पार्ट डी में ला रहा है, वो पार्ट डी में हम जो ला रहा है उसका ऑक्शन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे। उसका जो माइनिंग लीज है और कंसेशन है वो राज्य सरकार देगा। ऑक्शन का बोझ हम मिटाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्शन विल बी टेकन बाय अस, बट एंटायर रेवेन्यू विल गो टू द स्टेट। दिस इज द थिंकिंग, दिस इज द अप्रोच ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। एंड पहले क्या होता था, अलॉटमेंट रूट से सिर्फ रॉयल्टी दिया जाता था। हम प्रीमियम करा के ऑक्शन करा के इसके क्या क्या बदलाव हुआ है मैं बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले ओडिशा का रेवेन्यू था सिर्फ 5000 करोड़, आज हुआ है 49,000 करोड़। ये सिर्फ और सिर्फ माइनिंग का रेवेन्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ये बदलाव हुआ है। और तीसरा है, और हम ये तीन क्षेत्र में जो बता, एक तो हम एटॉमिक मिनरल से 6 मिनरल निकाल रहे हैं, और तीसरा है, तीसरे में हम पूरा 24 मिनरल्स को हम एक क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल में डाल के ग्रुप डी में ऑक्शन हम कर रहे हैं, रेवेन्यू मिल रहा है स्टेट को। यही कहते हुए इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसमें बीच सैंड मिनरल हम इंक्लूड नहीं किया है। बीच सैंड मिनरल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व होगा। इसके लिए मुझे हमारा MOS मंत्री जो है मुरलीधरन जी केरल से और प्रेम चंद्रन जी भी हमको रिक्वेस्ट किया था, हमने वो रिक्वेस्ट को हम स्वीकार कर लिया है। हम बीच सैंड मिनरल को भी हम इसमें बाहर रखे हैं। तो ये कहते हुए थैंक यू। और बाकी मेरा स्पीच जो है, प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। एक मिनट, मैं मेरा चेयरमैन साहब, मैं सर्वसम्मति पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए मेरा जो और स्पीच है मैं वो सदन पर पटल पर रखना चाहता हूँ।